हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में जो है हम लोग करने जा रहे हैं लिविंग रूम का मेकओवर। तो काफ़ी टाइम से जो है, जब से मैं यहाँ पे रहने आई हूँ, तो ये थोड़ा सा लिविंग रूम जो है मेरा डल डल सा मुझे लग रहा था, और अभी हम लोगों ने इसमें एक डार्क पेंट कर दी है तो ये फिर से और डार्क लगने लग गया और डल लगने लग गया। और ये सोफ़ा के कवर्स एंड एवरीथिंग जो है ना, सब मुझे ऐसे पुरानी पुरानी टाइप लग रही है कि मतलब चेंज किया जाए, थोड़ा सा घर को नया मेकओवर दिया जाए। तो सबसे पहला मेकओवर का स्टार्ट हम लोगों ने किया घर की लाइटिंग चेंज करने से, क्योंकि मुझे काफ़ी मतलब रिक्वेस्ट आए थे कि लाइटिंग चेंज करो, लाइटिंग चेंज करो, प्रॉपर नहीं आ रहा है वीडियो में। तो घर के मेकओवर में सबसे पहला काम जो है मैंने किया है वो है लाइटिंग का चेंज करना। उसके बाद में मैंने सेकेंड चीज़ जो मंगवाई है घर के लिए वो है फ़ोटो फ्रेम्स। तो इन सारी चीज़ों के वीडियो जो है ना मेरे चैनल पर आ जाएंगे, इससे पहले या इस वीडियो के बाद में आ जाएंगे शॉपिंग हॉल वाले। तो ये मैंने ऑनलाइन बाय किए हैं फ़ोटो फ्रेम्स। ये 9 फ्रेम्स का सेट है, और उसके बाद में ये मैंने फ़ोटोज़ इसमें से जो है ना मोबाइल में जो भी क्लिक किए हुए फ़ोटो थे वो सारे जो है ना उसके कॉपी निकलवा के लाए और लगा दिए। उसके बाद में मेन जो चीज़ थी वो ड्रिल वाले भैया का काम था। ड्रिल वाले भैया को बुलाना मतलब कि चांद तारे ज़मीन पर उतार के लेके आने वाला सिस्टम होता है। तो बड़े मुश्किल से ये वाले ड्रिल वाले भैया मिल गए। तो फिर इनसे हम लोगों ने ड्रिलिंग करवा के सारी फ़ोटो फ्रेम्स जो है वो हमने लगवा ली, क्योंकि इसी के बाद में मेन साफ़ सफ़ाई चालू होने वाली थी। ड्रिलिंग के बाद में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है ना, तो घर में जो है ना सब हर जगह पे ऐसा फैला फैला सा लगता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ड्रिलिंग का काम किया, सारे फ़ोटो फ्रेम्स जो है वो लगवा लिए। उसके बाद में पूरे घर को क्लीन किए, जो भी सेटअप यहाँ से वहाँ करवाना था वो करवाया। उसके बाद में मेन चीज़ जो थी वो सोफ़ा कवर थी। इन सोफ़ा कवर्स को मैं पिछले 5.5-6 सालों से जो है मैं यूज़ कर रही हूँ कंटिन्यूसली, तो ये अभी भी अच्छे कंडीशन में है, बट बहुत मतलब ऐसा लगते हैं ना पुराने हो गए टाइप, तो इस वजह से। तो अभी आई है बारी सोफ़ा कवर चेंज करने की। तो मैंने ये कुछ इस तरीके की एक बेडशीट लेके आई हूँ। मुझे फैब्रिक चाहिए था बट ऐसा मतलब प्लेन में फैब्रिक नहीं मिल रहा था, तो मैं ये एक प्रिंटेड बेडशीट लेके आई हूँ विथ पिलो कवर्स। मिले हैं ये मुझे 2 पिलो कवर्स के साथ में। तो मैंने क्या कराया ना, तो मैंने जो है ना इस बेडशीट से जो है ना अपने लिए एक नए सोफ़े कवर जो है ना मैंने ये किए। मुझे थोड़ा सा लाइट्स कलर जो है ना मतलब ये चाहिए था घर में, तो मैंने आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि मैं ब्लू थीम रख रही हूँ। मुझे पहले लगा कि वॉल के साथ में ये बिल्कुल अच्छी नहीं जाएगी, बट होने के बाद में ये बहुत अच्छी टर्न आउट हुई है, अभी आप आगे देखिएगा। तो मैंने जो है ना थोड़ा सा ब्लू थीम रखने की कोशिश की। तो सारे मैंने सोफ़े के कवर्स इससे सिलवा दिए, और अभी बारी आ गई है इनको सोफ़े के ऊपर ट्राई करके देखने के लिए। तो बहुत ही अच्छे से परफेक्ट साइज़ में आए थे, ये बेडशीट थे और 2 पिलो कवर्स थे। तो 2 पिलो कवर्स का भी मैंने कवर्स बनाने के लिए यूज़ किया, सोफ़े के कवर्स बनाने के लिए, और बेडशीट का भी यूज़ किया। तो ये छोटे साइज़ की बेडशीट थी। तो सारे सोफ़े पर मैंने कवर्स डाल दिए है। उसके बाद में बारी आती है मेन चीज़ की जो है कुशन थ्रो करने की थोड़े से। तो मैंने कुशन फिलर्स और कुशन कवर्स दोनों भी जो है ना ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए हैं, तो ये लगवा देते हैं। तो कुशंस में हम लोग सबसे पहले कवर्स लगवाएंगे। तो कुशन के कवर भी जो है वो ब्लू में ही हल्के से मैचिंग है, ब्लू एलिफेंट्स है इसके ऊपर। तो इस तरीके से मैंने ये कुछ जो है ना 5 कुशन जो है ना अपने सोफ़े पे लगवाए हैं। इसके बाद में आते हैं कर्टन चेंज करने की बारी। तो कर्टन मेरे पास पर्पल कलर में लगा हुआ था, और ये वाला एक ब्लू वाला मेरे पास काफ़ी टाइम से घर में रखा हुआ था, ये मम्मी ने मुझे दिया था, तो मैं इसको यूज़ ही नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली ये मेरे ब्लू थीम के साथ थोड़ा सा जा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसी को जो है ना वो लगवाया जाए। इसके बाद में मैंने एक कारपेट डाल दिया। तो कारपेट मुझे ऐसा कुछ मैचिंग नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने क्या किया ना, मेरे सोफ़े के कवर से जो मैच होता मिले मुझे, तो सोफ़े से जो है ना वो मैंने ये किया। तो ये देखो मेरे सोफ़े के साथ थोड़ा सा मैच जा रहा है। तो फिर मैंने ये वाला कारपेट जो है मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो ये मैंने अभी डाल दिया है। उसके बाद में मैंने सेंटर टेबल लगाया है। मेरा जो ये सेंटर टेबल है ये एज अ टीवी स्टैंड मैं अभी तक इसको यूज़ कर रही थी, बट अभी टाइम आ गया था कि इसको इसके सही जगह पर रखा जाए, तभी इसको मैंने एज अ सेंटर टेबल यूज़ किया है। और जो फैब्रिक से मैंने सोफ़े के कवर बनाए हैं उसी से मैंने इसके ऊपर रग बोल सकते हैं, कवर बोल सकते हैं, जो भी कुछ वो मैंने इसके ऊपर बनाया है और डाल दिया है। उसके बाद में ये कार्डबोर्ड बॉक्स था, जो भी ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर करते हैं उसमें ऐसे बॉक्स आते हैं, तो उसी बॉक्स को मैंने वाइट पेपर से कवर करके जो है ना एक बुक वाला स्टैंड जो है वो बना दिया है। और इसमें मेरे जितने भी जो मैं बुक्स पढ़ती हूँ ना वो वाले सारे बुक्स मैंने यहाँ पे डाल के रख दिए हैं। और थोड़ा सा टेबल को और डेकोर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक जो है ना प्लांट लगा दिया। ये जो है ना मेरी बेटी का गुल्लक जो आता है ना सिलेंडर वाला, उसको कट करके मैंने उसमें प्लांट लगाया जो काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। उसी के साथ में एक मैंने होममेड कैंडल जो है वो लगाया है, और ये रहा हमारा हल्का सा लुक।
Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. Till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. So friends, कुछ इस तरीके से मेरा जो लिविंग रूम का मेकओवर है वो टर्न आउट हुआ है. होपफुली आप लोग को अच्छा लगेगा. मुझे तो देखने में बहुत ही अच्छा, ब्राइट एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है हर एंगल से. आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा.